Hello guys, welcome to the Smart Learning Academy. My name is Viren Singh and in this video tutorial I am going to discuss about the recessive epistasis or the supplementary gene interaction. इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो डिस्कस करने वाला हूँ रिसेसिव एपिस्टेसिस और द सप्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ. तो चलिए देखते हैं कि व्हाट इज़ द सप्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन और द रिसेसिव एपिस्टेसिस. ठीक है, तो बात करते हैं रिसेसिव एपिस्टेसिस. जैसे कि डोमिनेंट एपिस्टेसिस, इससे पहले मैं बेसिक्स एपिस्टेसिस, डोमिनेंट, डुप्लीकेट डोमिनेंट ये सब बता चुका हूँ, तो आप प्लीज़ उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा. ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूँ क्या, अब मैं बात करूँगा आपसे सिंपल कैसे रिसेसिव एपिस्टेसिस के बारे में. जीन के बारे में बताया था कि अगर एक जीन है, जीन के पास दो पार्ट हो सकते हैं, कैपिटल ए एंड द स्मॉल ए. कैपिटल ए कोई भी अगर एक जीन है, जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं, जनरली मोर देन वन दो भी होते हैं, लेकिन दो हो सकते हैं, एटलीस्ट दो तो होते ही हैं, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव. ठीक है, अब ये बात बताइए कि ये जो अगर डोमिनेंट मास्क कर रहा था किसी जीन की एक्टिविटी को तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस था. अगर रिसेसिव एलील अगर किसी अदर जीन की एक्टिविटी को मास्क करता है, ठीक है, अगर रिसेसिव एलील कहते हैं when the recessive allele of any gene masks the effect of another gene, masks the effect of B gene is known as recessive epistasis. मतलब अगर मान लीजिए बी जीन जो भी आपका काम कर रहा था उसकी एक्टिविटी को मास्क कर दिया स्मॉल ए जो एलील है, तो उसको हम बोलेंगे रिसेसिव एपिस्टेसिस. ठीक है, अब आपको पता है कि क्या स्मॉल ए कैपिटल ए के साथ मास्क करेगा क्या? नेवर. ये और ये आपके तो एंजाइम बनाएंगे, ये और ये तो एंजाइम बनाएंगे बनाएंगे, ये जो होगा वो एंजाइम नहीं बनाएगा, नो एंजाइम. जब नो एंजाइम बनाएगा, नो एंजाइम होगा, इसका मतलब कि अब किस तरीके से इसका पाथवे बनेगा, इसका किस तरीके से पाथवे बनेगा वो हम देखने की कोशिश करते हैं. इसको ऑल्सो नोन एज रिसेसिव एपिस्टेसिस इज ऑल्सो नोन एज सप्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन. इट इज़ ऑल्सो नोन एज सप्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन. आपको रेशियो बता चुका था मैं सप्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन या नॉर्मल रेशियो का. इस केस में क्या होता है, इस केस में देखने की कोशिश करिएगा, 9:3:3:1 जो होता है, ये 1 इसके साथ एक स्टेप राइट टू लेफ्ट जाएंगे और रेशियो हो जाएगा 9:3:4. ये जो हो जाएगा रेशियो आपका इस रिसेसिव एपिस्टेसिस के केस में. दिस इज मेंडेलियन इनहेरिटेंस एंड दिस इज रिसेसिव एपिस्टेसिस. Mendelian inheritance and the recessive epistasis. Now, अगर मैं बात करता हूँ पाथवे के लिए, पाथवे की बात करते हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डोमिनेंट एपिस्टेसिस के केस में कि वो आपका यूनिस्टेप पाथवे था, उसमें इंटरमीडिएट स्टेप नहीं था. दिस इज टू स्टेप पाथवे. ये कैसे पाथवेज होंगे? टू स्टेप पाथवेज हो सकते हैं या मोर देन टू स्टेप पाथवे होंगे. टू स्टेप पाथवे, दैट इज इंटरमीडिएट स्टेप विल बी देयर. ठीक है, इंटरमीडिएट स्टेप जो होगा वहाँ पे होगा. मोस्ट ऑफ द केसेस में यही सप्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे इंटरमीडिएट स्टेप होगा समझने की कोशिश करिएगा. देयर इज अ एक्स, एक्स इज ऑफ वाइट कलर, एक्स जो है वाइट कलर का है, एक्स को कन्वर्ट किया जा रहा है एक पर्टिकुलर दूसरे प्रोडक्ट में, दैट इज द वाई, जिसका कलर है रेड, जिसका कलर है रेड, और ये काम करता है E1 इज द एंजाइम विच इज प्रोड्यूस बाय द जीन ए, दैट मीन्स कैपिटल ए और द कैपिटल ए स्मॉल ए, इसी से प्रोड्यूस किया जाएगा. एंड द वाई इज कन्वर्टेड इनटू द जेड विच इज कलर, द कलर ऑफ द जेड इज पर्पल, पर्पल कलर है, और ये कन्वर्ट होता है एक और एंजाइम से जिसको बोलते हैं E2, और E2 इज सिंथेसाइज बाय द बी जीन, दैट इज कैपिटल बी एंड कैपिटल बी स्मॉल बी. ठीक है, अब समझने की कोशिश करिएगा, क्या ये टू स्टेप पाथवे है? इज इट टू स्टेप पाथवे? यस, इट इज टू स्टेप पाथवे. एक्स से वाई, वाई से जेड में कन्वर्ट हो रहा है, दो स्टेप है, दो अलग अलग एंजाइम दोनों स्टेप में यूज हो रहे हैं. ठीक है, अब समझने की कोशिश करिए कि मैंने आपको बताया था दिस इज द केस ऑफ रिसेसिव एपिस्टेसिस. कैसे होगा रिसेसिव एपिस्टेसिस? जब टू स्टेप पाथवे तीनों अलग अलग कलर में हो,
तो ये टू स्टेप ये रिसेसिव एपिस्टेसिस का केस बनता है। और आपको देखने की कोशिश करिएगा कि ये जो पार्ट होगा इनिशियली, जो इनिशियली पार्ट होगा, इस क्वेश्चन में कई बार कन्फ्यूजन होता है कि इनिशियली जो पार्ट होगा यही आपका वन के फॉर्म में बनेगा। जो मेंडेलियन जेनेटिक्स होता है, ये नॉर्मली अगर मैं बोलूँ कि इनिशियली अगर इस पाथवे को देखें तो ये जो एक बनता है, ये जो एक बनता है यही सबसे लास्ट वाला बनेगा, ये बनेगा जब ए ना हो बी ना हो, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और बताऊंगा आपको, लेकिन पहले देख लेते हैं इस पाथवे का स्मॉल ए का रोल या इसको रिसेसिव एपिस्टेसिस कैसे करते हैं। देखिएगा कि अगर मैं कहूं कि यहाँ पे स्मॉल ए आ गया, जब स्मॉल ए आ गया तो क्या ईवन बनेगा? नो ईवन, ईवन नहीं बनेगा। जब ईवन नहीं बनेगा तो कैसा, ये क्या वाइट को रेड में कन्वर्ट कर पाएगा? क्या जब ईवन ही नहीं होगा तो वाइट को रेड में कन्वर्ट करने वाला कोई होगा? कोई भी नहीं होगा। जब स्मॉल ए केस होगा तो यहाँ पे वाइट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यहाँ पे वाइट मिलेगा जब स्मॉल ए कंडीशन हुआ, यानी जैसे ही स्मॉल ए कंडीशन हुआ ये अगर वाइट मिला और अब रेड ही नहीं बना तो भले ही E2 बने, यहाँ पे भले ही E2 बने, क्या वो वाइट को डायरेक्ट पर्पल में कन्वर्ट कर सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि E2 को चाहिए रेड और रेड बन ही नहीं रहा है क्योंकि स्मॉल ए यहाँ पे आ गया। दैट इज क्या है ये रिसेसिव एलील। नाउ दिस रिसेसिव एलील मास्क द एक्टिविटी ऑफ दिस पर्टिकुलर कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी, तो इसको बोलते हैं रिसेसिव एपिस्टेसिस। इसीलिए इसको रिसेसिव एपिस्टेसिस बोला जाता है क्योंकि ये रिसेसिव एलील इस जीन को बनने नहीं देगा, वाइट से रेड में कलर कन्वर्ट नहीं करेगा। जब रेड नहीं बनेगा तो पर्पल बन ही नहीं सकता, भले ही बी हो चाहे ना हो, ठीक है। सो दैट मीन्स दिस इज अ रिसेसिव एपिस्टेसिस। नाउ इस केस में जो रेशियो आता है मेंडेलियन रेशियो, दैट इज 9:3:1, ये होता है नॉर्मल मेंडेलियन जेनेटिक्स। और ये लास्ट वाला जो केस बनता है स्मॉल ए स्मॉल बी का बनता है, और ये कलर क्या होता है? वाइट होता है। और आपको पता है कि ये वाइट कलर ही इसमें ट्रांसफर कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो जो सबसे इनिशियल स्टेप होता है यही चार नंबर बनता है, जो इसका रेशियो आता है 9:3:1। कई बार पूछा जाता है वाइट से येलो से रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो कैसे रेशियो आएगा, तो जो सबसे इनिशियल पाथवे का रेशियो होगा यही बनेगा, चार जो होगा वाइट बनेगा, इनिशियल चार बनेगा, लास्ट वाला जो होगा वो पर्पल बनेगा, 9 जो बनेगा वो पर्पल बनेगा, और इंटरमीडिएट जो होगा 3 जो होगा रेड बनेगा इस केस में, ठीक है। इज इट क्लियर? सो दिस इज द रिसेसिव एपिस्टेसिस। इस तरीके से आप रिसेसिव एपिस्टेसिस को समझ सकते हैं। और रेशियो की बात करें तो एग्जैक्टली आप रेशियो को भी समझ सकते हैं, जैसे कि अगर मैं नॉर्मली बात करता हूँ, रेशियो जो होता है आपका, ठीक है, अगेन अगर रेशियो की बात करें तो अगेन आपको क्या करना है, वही सेम, दैट इज 3-box रूल पे जाएंगे, कैपिटल ए 3 वर्टिकल लिखेंगे, फिर कैपिटल ए स्मॉल ए, फिर स्मॉल ए, इसी तरीके से कैपिटल बी लिखेंगे, कैपिटल बी हॉरिजॉन्टल चलेगा, बी जीन जो होगा आपको इतनी बार बताया जा चुका है, अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए, कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है, स्मॉल बी 3 लिखेंगे। लिखने के बाद आपको रेशियो पता है, रेशियो क्या होता है, 1:2:1, 2:4:2 एंड 1:2:1। आपको पता है कि यहाँ पे जो ये फॉर्म होगा 9 होता था, ये 1-box जो है, दिस इज 9, ये 9 था, ये सेकेंड बॉक्स इज थ्री। आप यहाँ देखिए स्मॉल ए है कि नहीं है, स्मॉल ए है तीनों केस में, मतलब ये जो हो जाएंगे एक साथ हो जाएंगे, क्योंकि जहाँ पे स्मॉल ए होगा बी की अफेक्ट सो ही नहीं करेगा, तो 1:2 ये कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 3-box रूल। इसको क्या बोलते हैं, 3-box रूल इन द केस ऑफ रिसेसिव एपिस्टेसिस, द रेशियो विल बी 9:3:4। इज इट क्लियर गाइस? तो अगर आपको समझ में आया हो तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। मैं अनअकैडमी पे लाइव पढ़ाता हूँ और फ्री लेसन्स फॉर्म में भी अवेलेबल है। अनअकैडमी पे जाइए, सर्च करिए वीरेन सिंह, वहाँ पे प्रोफाइल पे जाइए, सर्च करेंगे आप प्रोफाइल पे, नाम मिलेगा, कोर्सेज मिलेंगे। और आपको बता दूँ कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे लाइव मिनट्स में जो क्लासेस लाइव कोचिंग की तरह चलती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक वीडियो दिखाया जा रहा है, इसी तरीके से बहुत सारे वीडियोज़ आप देख सकते हैं स्पेशल क्लासेस के फॉर्म में। सबसे ज़्यादा लाइव मिनट्स लेने वाला एजुकेटर हूँ मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, CSIR
कैटेगरी में, और आप इसी वजह से फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं अनअकैडमी प्लस पे। और जब भी आप सब्सक्राइब करते हैं डोंट फॉरगेट टू यूज़ द रेफरल कोड, दैट इज़ द VIRN, ठीक है। रेफरल कोड यूज़ करना ना भूलें, जब आप रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, दैट विल लीड यू तक आपको डिस्काउंट मिलेगा तो आपका ही फायदा। चलिए, थैंक यू वेरी मच गाइज, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।